मेरी बेबे हमेशा जिक्र करती है इन्होंने स्टेशन तिना दे कि पुत याद रखी कितों आया है की करना है जाना कितने है पर रौला यह है कि एक सीमित जे समय ले चीज़ा जड़िया साढ़े जहन च रहा पर इतने गल निबड़नी नहीं है जदों साढ़े लोग साढ़े पंजाब के लोग जदों शराब दिया बोतलों पिछे असी वोटा पा पा के उन्होंने पिछे असी डीजल पेट्रोल फूकते फिरते हैं कारा च है ला ला के झंडिया असी दावेदारियां सैट करते फिरते हैं कि असी तुहाडे नाल है तो उस तो बाद सानू कोई हक नहीं पौने पांच साल उन्होंने गाला कढ़न दा उन्होंने निंदन दा। अज बापू जी राजनीति च तां धर्म है नहीं पर धर्म च राजनीति जानी ऐन कुट कुट के भरी पई है। असी साडा ध्यान डाइवर्ट किया ये चीज़ सानू मननी पऊगी सानू एडवांस होने का चस्का पिया उत्थे प्रॉब्लम यह आई एडवांस होना कोई माड़ी गल नहीं है एडवांस होने के मायने नहीं समझ आए आही लैके बह गए संत संत आही एडवांस लगी जाता है। अजकल की पड़ीरी कई घरें मैं चला जाता तो उन्होंने जवाक जानी मेरे मूहे तो नहीं कहते पर आपके माँ बाप नूं की कहते एक एक तो बहुत छोटा कलाकार है उन्होंने माँ पूछती है छोटा खे फोन तो है नहीं आईफोन ये कड़ा कलाकार है। इस सभा च हाजिर सारे अदीबा मेरा प्रणाम तुहाडे अंदर वास कर दी उस परम शक्ति प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाकी आ गल्लां मैं बहुत डराउंदियां हैं क्योंकि हजे वो कहते होंगे ना भांडे च दाने है नहीं मेरे को उन्ने तो पर रौला यह है कि खैर इस पास बहुत पई जाती है सो कई बार घबराहट होंगी है पर फिर वो गुरु साहब का फलसफा सामने आता कि पुत्र अरदास कर लिया कर फिर वही तरला कर लिया करके के बख्शी मैनू जिम्मेवार बना के रखी मैनू उन्ना ज्ञान बख्शता रही उन्नी जिम्मेवारी बख्शता रही। सो ये तो चलो एक चलता वहा है उस कुदरत वालों सब कुछ बड़े सोहने तरीके मेरे ख्याल चो लीकिया पै जो होया जो हो रहा है और जो होना है पर कई बार लगता हूँ कि रब ने फिर सानू ताइयों बना के भेजा होगा ता ही आ जो सारा समाजिक वर्तारा है साडा तो फिर इत्थे ही आके वो चीज़ा होंदियां कि यार फिर किसी चीज़ नू सलाउना किसी चीज़ के विरोध च बोलना अपने हकों की मांग करनी जो जो भी जिथे जिथे भी असं जाने। सो अज की यह सभा मेरे लिए बहुत खास रही है मैं बहुत कुछ सीख के चलिया और बहुत सारिया जिम्मेवारियां जिन्हों का बहुत बारीकी च नहीं पता होंगे कई बार सूँ मोटे मोटे वो एक भाव पता होंगे अज बहुत बारीकी उन्होंने चीज़ों नाल लेके जा रहे हैं अपने संगीत जरिए अपने गीतों जरिए अपने सुभा जरिए मैं उन्होंने चीज़ों अपनी जिंदगी ढालन की कोशिश करूँगा। तो बाकी जितों तक वड्डे भाई सरदार तरलोचन सिंह होर की गल है मैं चंडीगढ़ तो पंजाबीयत मैं बठिंडे का रहने वाला फिर मेरा तो आपका जी करता हूँ लिखद भी मैं बठिंडा तो पंजाबीयत क्योंकि हाल तो सब पास यही है हाल तो मैं कोई चंडीगढ़ कल की गल नहीं करूँगा तो हाल तो भाई जी सारे पास यही है भाषा उत्थे कुर्सी पर बैठा मैं सोचता सी मैं यार मेरी माँ है पंजाबी बोली। एक तो होंगे जो असी दफ्तरी पासे जाने कि उधरले पासे यार मेरी माँ को बनता सत्कार नहीं जो मूहरों कोई अफसर मिलता है तो यार वो मेरे ना पंजाबी च गल नहीं करता बहुत सारिया थावां होंदियां कि जिथे वो चीज़ फिर नहीं जारी जाती कहने यार इदा नहीं होना चाहिए पर ये ना मेरा कद बहुत छोटा है बौना मैं तुहाडे सारिआं च ही पर ये चीज़ा ना दो घंटे बहुत थोड़े है इस चीज़ नूं आ जो आप गलबात करन लई इकट्ठे होए अज ये दो घंटे बहुत थोड़े है ये मैं लगता गोष्ठी का समा काफ़ी लंबा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारिया चीज़ा है उत्थे बैठा बैठा ईमानदारी मैं वो अंदर जो रखने वाला नहीं है ये सारिया भाषावान ना भैन ने आपस के सकिया भैन तो कोई भी सूबा है मैं लगता उत्थे जे एक बैलेंस बन के सारिया चीज़ा चलन ना तो मैनू नहीं लगता फिर कोई इस तरह के दिन आने पैणगे और इस तरह किताबां लिखनिया पैणगियां सानू ये बड़ी गंभीर जी लाइन है ये कॉन्ट्रोवर्सी भी निकल सकती है ये कोई खबर बनाने वाला खबर में कोई होर बड़े सोहने तरीके भी लिख सकता इनू बना के पेश कर सकता और ये खबर विक सकती है ये खबर बड़े लोगों को भुलेखे च पा सकती है कि एक बैलेंस बना के चलना जिस सूबे च असी रह रहे हैं तो जे असी कहने असी गुरु नानक के पुत हैं जे सानू लगता है कि एक डायलॉग डिलीवर करन दा एक माध्यम है ठीक है मोह दियां तंदां साडियां हैगियां मैं बठिंडे जम्मिया महिमा सवाई मेरा पिंड है तो बचपन तो ही मेरी दादी मैंने गुरद्वारा साहब लेके जाती सी तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी दियां गुरबाणी सारी उस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो पर एक बड़ी बड़ी
गुंझलदार जी बुझारत है। मानसिक तौर पर उस सिस्टम साडा उवें असी बहाल नहीं कर सके, उवें उन्हूं डिवेलप नहीं कर सके कि जिस तरीके नाल सानूं ये गल्लां समझ आ जानियां चाहीदियां सी, पर जानी कह सकते हैं कि सानूं समझ नहीं आईयां ये चीज़ां। मैं इन्हां दी किताब पढ़ी, उहदे च इन्हां ने एक विआह बारे जिक्र किया होया है। इन्हां दे मेरे ख्याल च भांजी साडी भैण ने भांजी दा विआह सी टोरंटो, तां ये विआह च गए उत्थे, तां इन्होंने हुण इत्थों वालियां क्या सराइयां की सी कि यार कनेडा चले हैं, जहाजे चढ़ के चले हैं, तो उत्थे तां अंग्रेजी दे विआह होणगे क्योंकि कनेडा है। पर उत्थे जाके जो इन्होंने अपना सारा वो तजर्बा इहदे विच लिखिया है वह सारा ही उस तों उल्ट सी कि उत्थे तां सारा उवें मिलनियां उवें तेल चोया जा रहा है, उवें सिठणियां सुहाग गाए जा रहे हैं, उवें सारा बटना मलिया जा रहा है, उवें सब कुछ। उत्थे सब तो जिहड़ी खूबसूरत गल मैनूं लगी जो साथों खुस गई, असी कहण नूं हालांकि गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां कर जांदे आ, कई वारी मैं भी कर जांदा, अक्सर ही कर जांदा, पर साथों खुस गईआं। आनंद कारज दी रसम होवे गुरद्वारा साहब दे विच होवे और उत्थे ही बह के कनेडा दा एक परिवार उत्थे बह के प्रशादा पाणी लंगर छक रिहा होवे, और तीन बरातां दा जिक्र कीता इन्हां ने उत्थे। कहिंदे कि उह गुरद्वारा साहब सी तां उसे दिनी तीन विआह सीगे, सो तिन्नां विआहां दीआं बरातां आईआं होईआं सी। कहिंदे सानूं नहीं पता कि दाल कौन किहदा लंगर छकी जांदा सी, सब सांझे ही बैठे सी, टाट विछी हुई सी, तां उहदा ही हुण उह चीज़ां विसर गईआं। हुण इस पासे भी तां यार है ना, मैनूं तां लगदा कि सारियां चीज़ां दा एक मिश्रण है, एक कलैबरेशन है, साडे पहरावे है, साडा खाण पीन, ते हर बंदा कलाकार है। मैनूं नहीं लगदा कोई ऐसा महाराज ने कोई इंसान भेजा होगा जिन्हों ने कला नहीं बख्शी। हर बंदा कलाकार है, ते जिहड़ा बंदा अपनी कला नूं निखार लैंदा है, उस कला दे मायने समझ लैंदा है, उहदी उहनूं चढ़दी कला वाले पासे नूं लै जांदा है, जिम्मेवारी दिखा आंदा समाज प्रति अपनी कला च, उहनूं डायरैक्टर भी कहण लग जांदे लोग कि हुण इह डायरैक्टर भी है। सो मैनूं लगदा कि सारियां चीज़ां दा मिश्रण है, बड़ा सोहणा मिश्रण है। ते बाकी तां हमेशा कहिंदे आ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सानूं महाराज ने बड़े सोहणे पल बख्शे आ इह मानण दे लई, ते आपां सारे कलाकार लोग आपो अपनी कला नूं पछाणीए, ते जिथे जिथे साडियां जिम्मेवारियां बनदियां तां उहनां नूं नाल लै के चलीए। ताइयों कहिंदा कि 2 घंटे तां बहुत थोड़ा समां है, इह तां ठीक है कि इक चिणग है, बाई जी होणी, वड्डे बाई जी होणी, इदां इहनां किताबां राहीं जां कोई लैक्चर राहीं जां होर कोई भी जिवें कोई गवैया है अपने अखाड़े राहीं कह लो कि इक चिणग जी ला के जांदा, पर उस चीज़ की जानी उह कंटीन्यूटी बढ़ा के रखणी ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪੇ ਦੇਖੂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੀਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣੀ ਐਨ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਵੜੋ। ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੈ।
दोनों हाथों ताड़ियां वजियां। जे किसी ने मेरे घर जहर का कप रखे ना उन्हें ताइयों रखा कहता यह घुट भरन का चस्का लैन लग गया अच्कल भरदा हूँ थोड़ी थोड़ी घुट रखे दे करे जहर का कप। जो पता हो घरें लाणेदार एक ही है तो सारा परिवार जिमें सी ना पुराने टाइम अच्छ मैं अक्सर स्टेजा पर भी गल करता हूं कि आ सारे साडे चिट्टियां दाड़ियां वाले साडे बजुर्ग साहबान बैठे है तो यह गवाइया भरते उस समय दियाँ कि एको थान चो सारे टब्बर का लीड़ा झग आ जाता सी कोई करता सी किंतु परंतु कि नहीं जी मैं तो मैनू आ पसंद नहीं है। दोपहर का प्रशादा रवाज सी पंजाब का कि ठंडिया खावे ना बच जाएंगे बड़ा चंगा लगेगा। दो प्रशादे नाल चुंबड़े जे भी पे होंगे छाबे चो उन्होंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के जो उपर चार दी रख लेनी शक लड़ा असी तो वह सी। सो असी साडा ध्यान डाइवर्ट किया ये चीज़ सानू मननी पाऊगी। सानू एडवांस होने का चस्का पिया उत्थे प्रॉब्लम यह आई एडवांस होना कोई माड़ी गल नहीं है एडवांस होने मायने नहीं समझ आए आ टुक जी जिमें भाई त्रिलोचन सिंह होनी कहें आही लैके बह गए संत संत आही एडवांस लगी जाए। अजक पड़ीरी कई घरें मैं चला जाता तो उन्होंने जवाक जानी मेरे मूहे तो नहीं कहें पर आपके माँ बाप को कहें एक एक तो बहुत छोटा कलाकार है उन्होंने माँ पूछती है छोटा खे फोन तो है नहीं कोई आईफोन ये कड़ा कलाकार है। सो ये चीज़ा सानू हसाउंदियां भी है तो यह भी मेरे ख्याल एक तरह की अच्छा हार ही है साड़ी कि असं इन चीज़ों सुन के हसते हैं कि यार हाँ सही है गल कमरपुत गल इदा दी है। सो असी उस दल दल च फस चुके हैं। सब तो पहला तो असी महसूस करिए उस कंटीन्यूटी कि असी बीमार हैं असी महसूस करिए जिंदगी का कोई फलसफा लै लो भावें धर्म का फलसफा लै लो भावें राजनीति का लै लो भावें समाज जो साडा भाईचारा जिथे भी असी विचरते हैं दिन रात विचरते हैं सानू सब तो पहला तो यह मनना पैना है अदीबो कि असी बीमार होए पे हैं और जे मन गए ना बीमार होए पे हैं मैं शर्त लगे कहना कुदरत सानू दवाई देगी डॉक्टर सानू दवाई देगा किवें दे दे पर रौला यह है कि एक तो विरोध के मायने समझने पैणगे कई बार असी पंजाबी है बड़ा ही होर तरीके जी विरोध कर जाने कई बार उन्हां चीज़ों के नुकसान जानी मैं भी आपकी 35 साल की उम्र च कितें ना कितें महसूस किया कि यार इस चीज़ जो असी इदा कह लेंगे ना यार तो ये चीज़ इदा ठीक हो जानी सी। सो बड़ी बहुत खुली वड्डी किताब है तां इह तां बहुत वड्डी किताब है इस करके महाराज ने जानी गुरु का दर्जा देता इस शब्द नूं इह शब्द गुरु है। सो ये तो अपने आप दे विच इक ब्रह्मंड है इह शब्द। सो ये बहुत कुछ कह जाते हैं इन्हां नूं समझना पैना सानू सो सहज ना चलना पैना तो ये लड़ाइया लगातार जिमें देवी दयाल शर्मा जी बापू जी हाँ देवी दयाल शर्मा जी बापू जी बड़ा सोहना उन्होंने इन्ना प्यार आया उन्होंने बोलद्या का। सो यह सांझा ने जो भाई सरदार त्रिलोचन सिंह होरां ने दस्या कि यह भी इस सभा के मैंबर ने जनरल सकत्तर ने तुसीं दस्सिया हाँ जी सकत्तर ने यही सांझा ने शर्मा जी ने तो हिंदू भाईचारे चो है मैं कंवरपाल सिंह हाँ मैं सिख भाईचारे चो है पर आही कलैबरेशन ने जिहड़ियां सानू चैन दिंदियां ने जिहड़ियां कितें ना कितें हजे सानू उस चीज़ लई फिर बूस्टअप कर दियां कि नहीं हजे असी मरे नहीं हजे असी लड़ांगे हजे हजे असी लड़ांगे। सो जदों वार वार कहने कि साईं मियां मीर होनी साडे चेते है हरिमंदर साहब दियां नेवां रखदे सानू अज भी दिंदे है जदों सानू चेते है कि कश्मीरी पंडित अज भी बैठे गुरु साहब दे चरणां च अपनी वो दुविधा दस रहे हैं अपनी प्रॉब्लम दस रहे अज भी जाके चांदनी चौंक जाके अपना सीस दे रहे हैं। सो सारिया एग्जाम्पल जिहड़ियां साडियां उदाहरणां ने वह सानू हजे भी कितें ना कितें बन्नी बैठी हैं पर अज्ञानता वस हो के ना आपदे फैसले करिए अज तां माण करदे आं तुहाडे ते हमेशा चाह ना कहने भावें कोई सिख बैठा भावें कोई हिंदू बैठा उन्ना ही स्वाद आउंदा है शर्मा जी नूं मत्था टेक के भी उन्ना ही सिंह नूं मत्था टेक के भी उन्ना ही किसे खान साहब नूं उन्ना ही जैन आता। सो असी तो ना आ जड़ियाँ साड़ियाँ आपस के जड़ियाँ तंदा जी खिलारी बैठे बिना किसी गल के बिना किसी गल के कोई गल ही नहीं है अजक दे कोई मेरे अर्गे अणजाण जो बंदे की कोई गल सुन लीए तो वो पिछे लग जाने यार वो गुरु साहबा दियाँ उदाहरणा ने कोई झूठ थोड़ा बोल के गए है अच्त सारे एक कह गुरुद्वारे मंदिर मसीता साढ़े तो जफ्फिया पाई बैठे है। सो जो इन सारिया चीज़ों इदा एक काफिला बना के चलोंगे ना तो फिर किसी हाकम की हिम्मत नहीं है फिर हिम्मत नहीं है किसी की कि इन्ह मसलों पर आके सानू बिना पूछे कोई फैसला कर जाए। सो इस करके असी मौके दते है और प्रॉब्लम यह है कि मौके दे रहे हैं मौके दे रहे हैं। सो तुसी बहुत सत्कारयोग हो तुहाड़ियां आवाज़ा दूर तक पहुँचदी हैं तुहाड़े औरे दे विचों जान है तुहाड़े महांदरे दसदे
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹੇ ਆ, ਛਾਪੇ ਆ, ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਬਾਪ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਆਸਾਰ ਬੜੇ ਆ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਐਨ ਚੁੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਲਝਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੰਧਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨੇ।